देखा जाए ना ভেল জগতে আজকে আমি স্যার আমি কি হসপিটালে গেছি সব মন্ত্রীর কাছে আমরা একটা ছোট রিকোয়েস্ট করতে চাই স্যার যে আমাদের চা বাগানে লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে গ্রেট হাউসের জন্য আমাদের খুব অভাব আছে স্যার আপনার কাছে আমাদের দিলীপ প্রার্থনা করছি শ্রমিকরা যেন লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে একটা আপনার আশীর্বাদে যেন একটা গ্রেট হাউস স্যার এটা আপনার কাছে রিকোয়েস্ট আমরা জানাচ্ছি যদি সম্ভব হয় যদি সম্ভব হয় আপনি স্যার আমাদের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানকে আশীর্বাদ সম্পন্ন করুন সেটা আপনার কাছে আমরা রিকোয়েস্ট জানাচ্ছি স্যার আমাদের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত ব্যানার্জিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি তাই এই সময় আমরা বিলম্ব না করে চা শ্রমিকদের আন্দোলনের জন্য আমরা আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রী ঋতব্রত ব্যানার্জিকে আমরা বক্তব্য আমরা 2 মিনিট রাখার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাই দাদাকে यहाँ पर आज लक्ष्मीपाड़ा चाय बागान में सेंट्रल मिनिस्टर जॉन बार्ला के घर के सामने INTTUC अनुमोदित तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का दूसरी चरण का जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है आज उसका चौथा दिन है। 1 तारीख से शुरू हुआ है, 6 तारीख तक चलेगा। हमारे बीच अभी मौजूद है पश्चिम बंगाल सरकार का लॉ लेवर एंड मिनिस्टर लॉ लेवर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर श्री मलाई घटक जी यहाँ पर मौजूद है। INTTUC जलपाईगुड़ी जिला का अध्यक्ष सभापति श्री राजेश लकड़े जी यहाँ पर हमारे बीच ये जो धरना कार्यक्रम इस धरना कार्यक्रम में मौजूद है INTTUC अलीपुरद्वार जिला का सभापति श्री विनोद मिंज जी तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का केंद्रीय कमेटी का लीडर ढेर सारे लीडर यहाँ पर मौजूद है। राजू गुरुंग जी है, सुजीत छत्री है, जोसेफ मुंडा थे अभी निकले हैं इंदौर के लिए, संजय कुजूर है, धन बहादुर छत्री है, बाबुन गोप है, हमारा INTTUC माल ग्रामीण ब्लॉक का प्रेसिडेंट श्री सुनील ओराव है, नागराघाट INTTUC ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री अनूप लकड़ा जी है, बनाहाट INTTUC का ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री रंजीत लकड़ा है, धूपगुड़ी टाउन का ब्लॉक प्रेसिडेंट आलम रहमान जी है, जलपाईगुड़ी टाउन का प्रेसिडेंट हमारा डब्बू पुण्यव्रत मित्र है, राजगंज का प्रेसिडेंट जो मोहम्मद सुलेमान वो इधर है, तृणमूल कांग्रेस का सागर बाबू ना तृणमूल कांग्रेस का इस ब्लॉक का प्रेसिडेंट श्री सागर गुरुंग यहाँ पर मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग जो है जो लंबा समय से पिछले बार भी जब 27 फरवरी से मार्च महीने का 5 तारीख तक जब धरना प्रदर्शन हुआ था तब भी आप लोग हर दिन 10 दिन भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। तो आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं बैठने का कारण क्या है, ये धरना क्यों चल रहा है, अब सब लोगों को मालूम है कि सितंबर महीने 2022 का सितंबर महीने का 10 तारीख और 11 तारीख हम लोग जलपाईगुड़ी जिला का माल बाजार में कार्यक्रम किए थे। ये चाय बगान का जो क्षेत्र है छेटो जो जिला
इस छोटे जिला का चाय मजदूर लोगों को लेकर INTTUC अनुमोदित तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का पहला महासम्मेलन माल बाजार में हुआ था। दिन भर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद मजदूर लोग जो बात रखे उससे जो निष्कर्ष निकल के आया तो हमारा मांग पत्र तैयार किया। 11 तारीख अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी MP माल बाजार में यह सभा संबोधित कर रहे थे। यह चाय बागान के अंदर जितने भी मांग उठा था जो निष्कर्ष आया था वो सब कुछ एड्रेस किए थे। लेबर मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर मलय घटक दोनों दिन पहले दिन भी पूरे थे सम्मेलन में, फिर आम सभा के आम सभा में भी थे। ये होने के बाद जब ये तैयार हुआ कि चाय बागान का मुद्दा क्या है, चाय बागान का मजदूर लोग का अहम मुद्दा क्या है, इस सब चीज को लेकर लड़ाई करना है, तो हम लोग जो किए ये जो निष्कर्ष निकल के आया अभिषेक बनर्जी का जो निर्देश था जन्नत से ममता बंदोपाध्याय के अनुमोदन से अभिषेक बंदोपाध्याय का परिकल्पना के तहत हम लोग बगान बगान में ये कार्यक्रम किया। फिर करने के बाद दिसंबर महीने 2022 दिसंबर महीने का 9 तारीख से दिसंबर महीने का 13 तारीख तक तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का कार्यक्रम हुआ। जलपाईगुड़ी जिला का एलनबाड़ी से एक पदयात्रा निकला, ये जलपाईगुड़ी होते हुए 12 तारीख गायरकाटा पहुंचा। अलीपुरद्वार जिला का संकोच से और एक पदयात्रा निकला जो अलीपुरद्वार कवर करके 12 तारीख गायरकाटा में पहुंचा। फिर ये पदयात्रा पहुंचा 13 तारीख रीजनल PF कमिश्नर के ऑफिस के सामने। माननीय मंत्री मलय घटक उस दिन भी थे वहां पर। हम लोग वहां जो मीटिंग किए, मीटिंग करने के बाद हमारे लीडर लोग जो डेपुटेशन लेके गए, डेपुटेशन दिया PF कमिश्नर को। PF कमिश्नर बोले थे कि 15 दिन के अंदर ये काम करना होगा, ये काम शुरू करेंगे, बगान बगान में कैंप लगाया जाएगा। क्यों कैंप का मांग हम लोग किए थे, क्योंकि PF लेकर जो दिक्कत है, प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है, प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, बगान में जो दिक्कत हो रहा है खास करके नाम लेकर, जैसे कोई किसी का आदमी है प्रकाश चिकबराई एक जगह और एक जगह में है प्रकाश राव, ये दिक्कत के चलते हुए ये जो बगान का ढेर सारे मजदूर है इन लोगों का खून पसीना एक करके जो पैसा जमा हुआ है PF में, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोषागार में सड़ रहा है, एक पैसा मिल नहीं रहा है। और नाम ठीक करने का, ये कैंप बना के ये PF का जो मसला है ये ठीक करने का कोई भी काम हो नहीं रहा है। ये PF लेकर कितना बड़ा दुर्नीति हुआ है, बार बार ये हम लोग वहां बोल के आए थे, बोला था कि 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर कैंप लगाया जाएगा, कहां कैंप लगा, किधर भी कैंप लगा नहीं, किसी जगह कैंप लगा नहीं। तो फिर इसके बाद जब कुछ हुआ नहीं तब हम लोग 27 फरवरी से मार्च का 5 तारीख तक, 27 जनवरी से फरवरी महीने के 5 तारीख तक ये 10 दिन का धरना किए थे। इधर भी धरना हुआ था, मैं आया था धरना में, फिर उसके बोलने के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, धरना देने के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। देखने को मिला कि धरना जब हमारा चल रहा था उस दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, उस बजट में चाय बागान के लिए एक पैसा का संस्थान नहीं था, चाय बागान पूरी बजट के अंदर चाय बागान का नामो निशान नहीं था, चाय बागान का कोई जिक्र ही नहीं था पूरी बजट के अंदर। हम लोग जॉन बाल्ला जब उस दिन आ रहे थे लखीपुरा में, तो लेवल क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद मैं पूछा था कि किधर मिलेगा, वहां जॉन बाल्ला का घर जाना है, किस तरफ से जाना है। मुझे अभी याद है जो लोग वहां थे बोले थे आप बगान में घुस जाइए, सब एक जैसा घर आपको देखने को मिलेगा, एक तो घर बाकी घर जैसा नहीं है, जो घर बाकी घर जैसा नहीं है वही जॉन बाल्ला का घर है। ये है जॉन बाल्ला का पैलेस जिसके सामने ये बगान के लोग पहले भी 10 दिन, अभी भी ये कार्यक्रम 6 दिन का चल रहा है। 1000 करोड़ रुपया जो देने का वायदा था वो तो सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद भी ये 1000 करोड़ रुपया 2 साल पहले सेंट्रल बजट में ये 1000 करोड़ रुपया का जिक्र किया गया था चाय क्षेत्र के लिए, चाय बलाई के लिए दिया जाएगा, एक पैसा आया नहीं है। 2 साल गुजर गया पैसा तो आया नहीं, और इस बार का बजट में कोई जिक्र ही नहीं है चाय बागान का। टी बोर्ड 4-4.5 साल से जो स्टाइपेंड देता था चाय बागान का, जो लोग है बच्चे मजदूर लोग उन लोगों को लड़का लड़की के लिए जो पैसा दिया जाता था, एक पैसा नहीं आ रहा है, पैसा बंद हो गया है। ये PF का मसला है, ये 1000 करोड़ रुपया का मसला है, टी बोर्ड का मसला है,
और इसके साथ साथ हम लोग भूले नहीं है कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीपुर द्वार जिला का आदिवासी सरना मैदान में आकर बोले थे कि टंकन का 700 बगान सेंट्रल गवर्नमेंट अधिग्रहण कर लेगा। बजट में और पार्लियामेंट में मैं तो एमपी हुआ करता था, पार्लियामेंट में हम लोग देखे निर्मला सीतारमन का कमर्शन इंडस्ट्री मिनिस्टर गेजेट नोटिफिकेशन निकल गया कि डंकन का 700 बगान दिया जाएगा। जो कंफ्यूजन पैदा हुआ, जो भी चल रहा था वो भी बंद हो गया। ये चुमला, फिर ये चुमला के बाद ममता बनर्जी का निर्देश से श्रम मंत्री मलय घटक का उद्योग से ये बगान सब खोलने का काम हुआ। एक तरफ चुमला, जो चुमला वाले बोले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों के लिए काम करने के लिए बंगाल का सरकार ममता बनर्जी का लीडरशिप में ये काम कर रहा है। 100 दिन का जो काम हो रहा है, 100 दिन का काम का पैसा हम लोग को दे नहीं रहे, 100 दिन का पैसा मिल नहीं रहा है। पूरी देश का पैमाने में 10,000 करोड़ रुपया ड्यू है स्टेट्स का, उसमें सिर्फ बंगाल का ड्यू है 5,400 करोड़ रुपया। अभिषेक बनर्जी हमारे लीडर जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए थे, वो क्वेश्चन का जवाब में जॉन बल्ला लोगों का सरकार बोले है कि पूरी देश के पैमाने में 10,000 करोड़ रुपया बाकी है, सिर्फ बंगाल का बाकी है 5,400 करोड़ रुपया। तो बंगाल के खिलाफ जो साजिश है, ये लोग ये खास करके प्रोविडेंट फंड लेकर, मैं कल था इंदौर चाय बागान में, उसके बाद कालचीनी का भाटपाड़ा चाय बागान में गया था। जर्नलिस्ट बंधु लोग हमें पूछ रहे थे कि जॉन बल्ला मनोज टिक्का बोल रहे हैं पीएफ के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, बंगाल का गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई तो हो रहा है, कार्रवाई हुआ है सब जगह में, लोगों को मालूम है, मगर आप लोग जो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि पीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा है। पीएफ का पैसा आप लोगों का कोषागार में सड़ रहा है और आपका पैसा नहीं है। जैसे आप बंगाल का पैसा नहीं दे रहे, हमारे हक का पैसा, मांग का पैसा, ये पैसा नहीं दे रहे, ऐसे ही इच्छा मजदूर लोगों का पैसा आपका कोषागार में सड़ रहा है। नाम ठीक नहीं हो रहा है, ये लिंकेज के बदौलत जो दिक्कत हुआ है, वो दिक्कत ठीक करने का कोई इरादा आप लोगों का नहीं है। आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जॉन बल्ला का घर के सामने हमारा ये शांतिपूर्ण धरना अवस्थान इसलिए है, जवाब हम लेके रहेंगे। ये लड़ाई चलता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा, जवाब हम लोग लेके रहेंगे। ये 1,000 करोड़ का पैसा कहाँ गया है? लक्कीपाड़ा चाय बागान में कितने पैसा आया है जॉन बल्ला जी को बताना पड़ेगा। 1,000 करोड़ देने का वायदा, बहुत टेबल थपथपाए थे जब घोषणा हो रहा था, टेबल थपथपा रहे थे, गाइड दिए थे, कहाँ गया 1,000 करोड़ रुपया? ये 2 साल गुजर गया, और खास करके बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने चाय मजदूर लोगों के लिए मलय घटक विस्तारित से बताएंगे, मगर जो जो हो रहा है, एक तरफ उन लोगों का जुमला है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का वायदा पूरा करने का काम है। बंग चगवा चाय बागान ममता बनर्जी का निर्देश से, श्रम मंत्री मलय घटक का उद्देश्य से ये बगान खोलने का काम हुआ। जब बंद था तब बंद बगान के लिए, अभी भी 2-3-4 जो बंद है, सब जगह में फरुलाई का स्कीम है, फ्री रेशन का स्कीम है, ये चाय सुंदरी का स्कीम है। जो चाय सुंदरी का स्कीम हाजीमारा में ऑनरेबल मिनिस्टर के मीटिंग के बाद चाय सुंदरी का घर देने का काम शुरू हुआ है, और अभी जो चल रहा है, अभिषेक बनर्जी ने माल बाजार के मीटिंग में लेबर मिनिस्टर को बोले थे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट इन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड क्या दे सकता है, क्रेश का, हेल्थ सेंटर का, ये सब बात उठा था। तो जब सितंबर महीने का 23 तारीख श्रम डिपार्टमेंट का उद्योग से ये पूरी चाय क्षेत्र में ये आइडेंटिटी कार्ड देने का काम शुरू हुआ, 2,83,000 चाय मजदूर है इस क्षेत्र में। कल भी लेबर डिपार्टमेंट की ओर से अलीपुर द्वार जिला का चुआपाड़ा बगान में यह आइडेंटिटी कार्ड देने का काम हुआ। आज श्रम मंत्री खुद अलीपुर द्वार जिला में तासाटी चाय बगान में वहां ये देंगे आइडेंटिटी कार्ड। करीब 1.5 लाख लोगों तक आइडेंटिटी कार्ड पहुंचा देने का काम हो गया है। बाकी जो काम है 31 मार्च के अंदर पूरी बंगाल पैमाने में हर चाय बागान का मजदूर लोगों को ये गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड, लेबर डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोग को मालूम है कि ऐसा कभी स्कीम कोई कदम नहीं था, लेबर डिपार्टमेंट ने ये स्कीम उठाया है पूरी चाय बागान क्षेत्र में। ये हमारा बगल में डबल इंजन का सरकार वाला स्टेट आसाम है, चाय बागान है, वहां ये स्कीम नहीं है, पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में किधर भी नहीं है।
ये कैशर हेल्थ सेंटर का जो इंतजाम हुआ है, मैं बहन पीठ में बच्चे लोग बांधकर काम करते हैं, ऐसा 70 जगह में पूरी चाय क्षेत्र में 70 ऐसा जगह है, 70 चाय बागान जिसमें ये क्रेश बनने जा रहा है, शिलान्यास हो चुका है। कल लोग हम देख रहे थे एक बागान में पूरा पिलर विलर काम शुरू हो गए, 6 एकड़ जगह छोड़ के ये क्रेश का काम हो रहा है, 70 जगह में क्रेश बन रहा है, 41 जगह में 41 जगह में प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद एम्बुलेंस बन रहा है, डॉक्टर रहेगा, नर्स रहेगी, वह बेड रहेगा, मेल वार्ड फीमेल वार्ड एम्बुलेंस रहेगा, और इसके साथ साथ ये क्रेश 50 बच्चे लोग यहाँ पर रह पाएंगे, उन लोगों का खाने का इंतजाम, उन लोगों का देखने का इंतजाम, फिर काम हो जाने के बाद माए बहनों बच्चों लोगों को लेकर घर चले जाएंगे, और ये क्रेश चलाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प लोगों का 10-12 लोग मिलकर ये क्रेश चलाएंगे। और खास करके ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये जो 111 जगह में ये क्रेश और हेल्थ सेंटर हो रहा है, ये जलपाईगुड़ी जिला में ये जो क्रेश बन रहा है, क्रेश का जो लिस्ट है, नया सोनाली, नीडम, देवपरा, ग्रासमोर, किलकोट, मणावरी, सामसिंग, न्यू ग्लेनको, रेड बैंक, कुंगलाई, रियावरी, पलाशवरी, चामुर्ची, तेलीपारा, रानीछेरा, त्रिशक्ति, नागाईसुरी, न्यू डुवर्स, जुरांती, टोटोपारा, बरोदिकी, हल्दीवरी, इमनांग और बेंगुरी, ये 25 जगह में लेबर डिपार्टमेंट की ओर से ये क्रेश बन रहा है। और जो 14 हेल्थ सेंटर नया सैनी, सोनाली, बागराकोट, रेड बैंक, चामुर्ची, लिस्ट रिवर्टी जी, गुलावरी डिवीजन, रानीछेरा, सरस्वतीपुर, अम्बारी, सुनगाछी, नागाईसुरी, बेनगुड़ी, पाथरछोड़ा, अरिंगो, ये 49 जगह में 25 क्रेश और 14 हेल्थ सेंटर इस जलपाईगुड़ी जिला में बन रहा है। पूरी ये चाय बलाई का क्षेत्र में 111 जगह में ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर एम्बुलेंस के साथ और ये क्रेश बनने का काम हो रहा है। इधर भी हम लोग एम्बुलेंस देख रहे हैं, एम्बुलेंस का शोरूम लगा दिया है जॉन बाल्ला। जब ये कार्यक्रम हम लोग घोषणा किए थे, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब ये, जिस दिन कार्यक्रम खत्म हुआ हम लोग ऐलान किए थे 1 तारीख से 7 तारीख हम लोग फिर कार्यक्रम करेंगे, 7 तारीख दोल यात्रा है, इसीलिए 1 तारीख से 6 तारीख कार्यक्रम तैयार हुआ। 29 तारीख फरवरी महीने का, फरवरी महीने में हम 27-28 तारीख से ये गाड़ी आकर लगा दिया, 1 तारीख से हमारा कार्यक्रम। ये जो एम्बुलेंस है ये लखीपरा का आदमी का चाहे मजदूर का कोई काम में नहीं लगता है, ये शो के लिए, ये एम्बुलेंस सेवा के लिए नहीं, ये एम्बुलेंस शो के लिए है, ताकि ये कार्यक्रम में दिक्कत हो तो 2 गाड़ी यहाँ पर खड़ा कर दिया। मैं जॉन बल्ला जी को पूछना चाहता हूँ, इसी बगान में मैं लखीपरा छोड़कर दूसरी जगह का बात नहीं करूंगा, लखीपरा चाय बगान में ये मस्जिद के सामने दिलदार अंसारी, 2 मार्च को दिलदार अंसारी जी, उनका 95 उम्र है, तो दिलदार अंसारी वो बीमार थे, आपका शोरूम से कोई एम्बुलेंस गया नहीं, जो एम्बुलेंस आप यहाँ पर लगा दिए हैं ऐसा कोई एम्बुलेंस गया नहीं, हमारे लीडर सुजीत छेत्री का उद्योग से वहां पर एम्बुलेंस करके ये दिलदार हुसैन को, दिलदार अंसारी को सिलीगुड़ी में मेडिकल कॉलेज में एडमिट करने का काम हम लोग किए हैं। ये शोरूम में, ये जो शोरूम अब खड़ा किए हैं, ये शोरूम का एम्बुलेंस इसीलिए सिर्फ शो के लिए है, सेवा के लिए नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इधर जहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको जरूर मालूम होगा, सब लोग को मालूम है कि जयो गोडुआ का घर है, 3 ये जो इस जगह पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इनको 3 नंबर घर है, इनको बीमार थे, आपका शोरूम से एम्बुलेंस मिला नहीं, खेला करके इनको ले जाना पड़ा हेल्थ सेंटर तक, उनका जो मौत हुआ, मौत का जिम्मेवार आप है, क्योंकि आपका शोरूम से कोई एम्बुलेंस निकला नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे ये धरना में कृतिका छेत्री मौजूद है, उनका माताजी नीता छेत्री जी, वो लोग बीजेपी करते थे, बहुत बीमार थे, 2 साल से बीमार थे, घर में थे, जॉन बल्ला कुछ किया नहीं, सुजीत छेत्री ने उद्योग लिया, मिनिस्टर मलय घटक के पास इन लोगों को लेके गया, और मलयदा का उद्योग से, उद्योग के बाद कृतिका जी इधर है, उनके माताजी का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें वो बीजेपी वर्कर थे, जॉन बल्ला
उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं जॉन मल्ला जी को बताना चाहता हूं कि खास करके आपको तो मालूम ही होगा कि ये जो अंजलि ओराव हमारे इधर है, अंजलि ओराव का जो पिताजी पुकलू ओराव, ये पुकलू ओराव ये बीजेपी में थे। 3 फरवरी एक्सीडेंट हुआ, आपका शोरूम से एम्बुलेंस मिला नहीं। हम लोग तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, हम लोग INTTUC, ये राजेश लकड़ा जो हमारा जिला का अध्यक्ष है, यहाँ पर सुजीत छत्री, ये लोग लखीपरा बागान में इंतजाम किया, एम्बुलेंस करके उनको एडमिट करवाने का काम किया। आपका शोरूम का एम्बुलेंस का लखीपरा बागान के लिए कोई इसका महत्व नहीं है। जो स्थिति पैदा हुआ है ये हम लोग इसीलिए बैठ रहे हैं क्योंकि जो लोग सुन नहीं सकते हैं, आवाम का आवाज जिन लोगों तक पहुंचता नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ा जोर आवाज करना पड़ता है। ये लोग सुनेंगे नहीं, जितने दिन सुनेंगे नहीं हम लोग आवाज उतना तेज करते रहेंगे। और बढ़िया तरीके से ये कार्यक्रम खत्म होगा, होने के बाद फिर कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। आप लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा, जब तक जवाब नहीं देंगे आप लोगों के खिलाफ लावाम को लामबंद करते हुए, ये चाय मजदूर को लामबंद करते हुए हम लोग ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। 6 तारीख कार्यक्रम हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे, जुमलाबाजी के सिवा कुछ आप लोग नहीं करेंगे। ये जो महंगाई हो रहा है, गैस का भाव बढ़ रहा है, आवाम के खिलाफ जो जंग का ऐलान आपका सरकार किया है जिसमें आप सेंट्रल मिनिस्टर है, जवाब हम लोग लेके रहेंगे। जब तक जवाब नहीं मिलेगा लड़ाई तब तक चलता रहेगा। जलपाईगुड़ी जिला INTTUC का पूरा टीम को, TCBSU का सेंट्रल कमेटी को, हमारा जितने भी लीडर लोग हैं सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। पिछले बार भी 10 दिन का जो धरना बढ़िया तरीके से लखीपरा बागान में हुआ था, हमारा जलपाईगुड़ी जिला का प्रेसिडेंट राजेश लकड़ा INTTUC उसका लीडरशिप में इस बार भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। इसके साथ साथ बगल वाला जिला अलीपुरद्वार में हो रहा है, हम लोग जाएंगे आज मादारीहाट में मनोज टिक्का जी का घर के सामने, वहां भी जवाब मांगेंगे। और दार्जिलिंग में भी हो रहा है, सिलीगुड़ी में जिसमें मलयदा कल राजू बिस्ता का घर के सामने उपस्थित रहेंगे, हम लोग रहेंगे। मगर एक चीज याद रखिए, ये लोग सुन नहीं सकते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका से आवाज हम लोगों को बुलंद करना पड़ेगा। ये जो आवाज है और हर घर तक ये कैंपेन ले जाना पड़ेगा कि जुमला का सरकार क्या कर रहा है और ममता बनर्जी का सरकार बंगाल के अंदर चाय मजदूर लोगों के लिए क्या कर रहा है। ये काम हम लोगों को बढ़िया तरीका से करना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ आपका जो ये धरना आने वाला 2 दिन भी चलेगा, आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से आप ये धरना चलाएंगे। इस विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन जिंदाबाद, INTTUC जिंदाबाद, चन्नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी जिंदाबाद, श्री अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। जय जोहर, जय गोरखा, जय बांग्ला। थोड़ा सा हमारा समर्थन बहुत आगे जाने के लिए, फिर हम श्रम मंत्री जी को बुलाएंगे। के यूनिट आए हुए हैं हमारे मंत्री जी के स्वागत के लिए, सभी को बहनों भाइयों को हम लोग स्वागत जनाते हैं। স্যার ওটার নাম লিখে দেন, এই ওই ওই নামটা লিখে দিই, তোমার ওই নামটা বলতে ও ছিল না তখন आज का एक ऐतिहासिक धरना मंच पर हमारे सबसे वरिष्ठ सीनियर जो कोलियारी क्षेत्र के श्रमिक यूनियन के नेतृत्व हमारे मलय घटक जी, और जिसको
कहते हैं मैजिक मैन, वो आज हमारे समक्ष उपस्थित है। श्रमिकों का हितेशी एवं हमारे जनप्रतिनिधि नेता एवं मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार के श्रीमान भले गजन जी को अभी हम लोग आमंत्रण चलाते हैं सब करने के लिए। मंच पर आज मौजूद है जो पश्चिम बंगाल INTPC का प्रेसिडेंट है, MP रह चुके, इस जिला का INTPC का प्रेसिडेंट राजेश लकड़ा जी, विनोद बिंच, राजू गुरुंग, सुजीत छेत्री, जोसेफ मुंडा अभी दूसरा प्रोग्राम में चले गए, संजय कुमार कुजूर, तबारक अली, बाबन गौ, सुनील उराव, अनूप लकड़ा, रंजीत लकड़ा, आलम रहमान, पुण्यपत मित्र, MD सलमान, बाबन गोप है, तारक अली है, और जितने भी सागर गुरु सबसे बड़ा है कि इस बगान में जो मजदूर भाई और बहन आज सब मौजूद है। आज हम लोग सीधा एक कार्यक्रम के लिए आए हैं। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में जो 5 जिला है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में चाय बगान है, चाय बगान दिनाजपुर में भी है। ये चाय बगान आज नहीं, करीब 200 साल पहले इस चाय बगान का शुरुआत हुआ था। उसके बाद देश का आजादी का बाद कांग्रेस का सरकार था और अभी BJP का सरकार दिल्ली में है। चाय बगान का जितना भी कानून सब दिल्ली सरकार का है, टी एक्ट दिल्ली सरकार का है, टी बोर्ड दिल्ली सरकार का है और जितने भी कानून सब दिल्ली का सरकार का है। ये दिल्ली का सरकार 2014 का आगे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब BJP का सरकार नहीं था, उस टाइम से इन लोग झूठा बात कहने का आदत कर लिया। इस पार्टी का नाम ही जुमला पार्टी बन गया। 2014 का आगे इन लोग क्या वादा किया था चुनाव के आगे कि अगर सत्ता में आएंगे तो साल में 2 करोड़ बेकार को नौकरी दूंगा। बोलियो तो ये चाय बगान इलाका में एक भी लड़का नहीं तो लड़की का ये 10 साल में कोई नौकरी हुआ दिल्ली सरकार का नहीं हुआ। जितने भी नौकरी करने वाले थे उन लोग का नौकरी चला गया, बेरोजगार, आधा बैंक बंद हो गया, हवाई जो जहाज का कंपनी सरकारी था इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया बिक गया, LIC आधा बिक गया, रेल बिक गया और जितने भी सरकारी उद्योग है ये सभी को बेचने का लाइन चालू कर दिया। एक सरकार जो सत्ता में आने का आगे झूठा बोलता है कि 2002 करोड़ बेकार को नौकरी दूंगा, जो झूठा बोलता है कि हमें 100 दिन का टाइम दीजिए, हम विदेश का बैंक से पैसा का बरामद करूंगा और सबका घर में 15 लाख करके भेजूंगा सबका बैंक अकाउंट में, किसी का बैंक अकाउंट में 15 पैसा आया लाख तो छोड़ दीजिए, 1 पैसा नहीं आया। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो
तो ये लोग नया नया मुद्दा लेके और बगान बगान में घूमते रहते हैं। अगला चुनाव में मुद्दा क्या था 2016 में? डनकन का सात बगान बोला कि हम लोग दिल्ली सरकार से सरकारीकरण कर दिया। कौन कौन बगान? बीरपड़ा, गरगंडा, लंकापड़ा, तुलसीपड़ा, हुंटापड़ा, धुमचीपड़ा और डिमडिम। ये देखिए दिल्ली सरकार जो गेजेट किया था, क्या लिखा है? भारत सरकार गेजेट बना के, गेजेट करके उन्होंने ऐलान किया कि ये सातों बगान दिल्ली सरकार ले लिया। लेकिन अभी ये सातों बगान में घूम के आ जाइए तो जिस बगान का मालिक कौन है? जो मालिक था वो भी भाग गया और दिल्ली सरकार भी भाग गया। एक साल बगान का मजदूर लोग क्या खाएंगे, क्या कैसे परिवार चलेगा, ये हालत दिल्ली का सरकार कर दिया था चाय बगान के मजदूर भाई लोग का। उसके आगे भी एक सरकार था, सीपीएम का सरकार, बामफ्रंट का सरकार। अभी भी देखिएगा कभी कभी लाल झंडा लेके इधर उधर देखने मिलता है। तो उन लोग से पूछिए कि भाई 2011 तक चाय बगान का मजदूर भाई बहन लोग का तनख्वाह कितना था? कैश 67 रुपया, 67 रुपया मिलता था कैश। और हमने 10 ठो एग्रीमेंट का कागज ले आया। कौन साल में सीपीएम का सरकार कितना पैसा बढ़ाया था थोड़ा आप लोग को मालूम हो जाना चाहिए। यह 1/6/2090 में 2.70 रुपया बढ़ा था, 91 में 1.40 रुपया बढ़ा था, 92 में 1.40 रुपया, 3 साल मिलके 5.5 रुपया बढ़ा था। उसके बाद एग्रीमेंट में 1/4/94 में 1.25 रुपया बढ़ा था, 95/95 में 1.25 रुपया बढ़ा था और 96 में 1 रुपया बढ़ा था। 3 साल मिल के 3.5 रुपया बढ़ा था। उसके बाद 97 में 3 रुपया बढ़ा था, 98 में 3 रुपया बढ़ा था और 99 में 2.5 रुपया बढ़ा था। 2000 में 3 रुपया, 2001 में 4 रुपया, 2002 में 4.10 रुपया, 2003 और 2004 में 1 पैसा भी नहीं बढ़ा था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, आप लोग का तनख्वाह नहीं बढ़ा था 2 साल 2003 और 2004 सीपीएम का जमाना में। 2005 में 2.5 रुपया, 2006 में 2.5 रुपया, 2007 में 3 रुपया, 2008 में 4.10 रुपया, 2009 में 4.10 रुपया, 2010 में 4.5 रुपया। उसके बाद आप लोग का आशीर्वाद से मां माटी मानुष का सरकार बना, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2011 में एक साथ में 28 रुपया बढ़ा, एक साथ में 28 रुपया बढ़ा। उसके बाद और एक बार जो रिविजन हुआ 28 रुपया से 95 रुपया बढ़ा, फिर 28 रुपया। उसके बाद फिर 2014-15-16 95 रुपया से 112 रुपया, 112 रुपया से 122 रुपया और अभी 132 रुपया, 232 रुपया, अभी 232 रुपया। 67 से 11 साल के अंदर 4 गुना तनख्वाह आप लोग को बढ़ाया कौन?
ममता बनर्जी ने बढ़ाया। आप लोग को 35 किलो चावल देता है फ्री, कौन देता है? ममता बनर्जी देती है। आपका बगल में आसाम है, आसाम में भी चाय बागान है। आसाम का मजदूर भाई लोग के पूछिए, उन लोग का 20 किलो करके मिलता है और नौ भी 9 रुपया किलो करके खरीदने पड़ता है। फ्री चावल असम में नहीं दिया जाता है, असम में 9 रुपया किलो वो भी 20 किलो तक मिलता है और इधर 35 किलो वो भी फ्री। अभी ममता बनर्जी, हम लोग का नेता अभिषेक बनर्जी जब इधर घूम के गया, देखा मालिक लोग आधा जगह में हॉस्पिटल को बंद कर दिया। यह जो माँ बहन लोग चाय बगान में काम करती है, बच्चा को कंधा में लेकर चाय का पत्ता तोड़ते हैं, तो अभिषेक बनर्जी ने हम लोग को बोला कि यह क्रेश होना चाहिए, यह हेल्थ सेंटर होना चाहिए। हम लोग तुरंत 41 हेल्थ सेंटर और 70 क्रेश सब मिला के 111 चाय बगान में ऑलरेडी काम चालू हो गया। टेंडर भी लास्ट जो फेज है वो भी हो जाएगा। अगला 6 महीने के अंदर करीब आधा चाय बगान में आप लोग का हेल्थ सेंटर और क्रेश बनकर कंप्लीट हो जाएगा। खाली हेल्थ सेंटर और क्रेश में, हेल्थ सेंटर और क्रेश में इलाज होगा ये बात नहीं है। आप लोग का बच्चा रहेगा, बच्चा का दूध से शुरू करके पानी से शुरू करके सभी चीज का बंदोबस्त रहेगा। कोई तकलीफ आप लोग का बच्चा का नहीं होगा जितना देर तक आप लोग काम करिएगा। तो ये कौन सोचता है? ममता बनर्जी ने सोचती है। ममता बनर्जी सोचती है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले एक परिवार, ये परिवार कैसे खाएगा, कैसे रहेंगे? आज करीब 78 तो प्रकल्प स्कीम ममता बनर्जी ने बना दिया। जन्म से मृत्यु तक सभी समय जब मदद का दरकार होता है, जो परिवार का बगल में खड़ा होने का दरकार होता है, जब परिवार का पैसा का दरकार होता है, तो आपका बगल में ममता बनर्जी खड़ी रहती है। जितने माँ बहन लोग हैं, आप लोग के लिए लक्की भंडार बना दिया। आप लोग काम करते हैं चाय बगान में तो भी लक्की भंडार मिलता है। आज जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप है 1000 रुपया करके साल में 12000 रुपया, जो लोग नहीं है उन लोग को भी 500 करके साल में 6000 रुपया मिलता है। आज 5 लाख तक स्वास्थ्य साथी का कार्ड बना दिया, फ्री रेशन बना दिया। जो लड़की बच्ची लोग पढ़ती है उन लोग के लिए कन्याश्री बना दिया। किसी का घर में शादी होता है तो शादी के लिए 25000 रुपया दिया जाता है। कोई मर भी जाता है तो मसान में काम करने का 2000 रुपया भी सरकार से दिया जाता है। आज एक ऐसा सरकार है जो जन्म से मृत्यु तक सभी के लिए सोचता है, सभी का काम करते हैं। और बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी का जो लीडर है, आपका हक का सामने है, ये मेरा सामने घर किसका है? एक चाय बगान का मजदूर का है। और ये घर किसका है? वो भी एक चाय बगान का मजदूर का है। चाय बगान का मजदूर का ही है, लेकिन फर्क देख लीजिए। हम कहो कुछ नहीं बोलेंगे, ये घर और वो घर दोनों का फर्क आपका हक का सामने है, आपका हक का सामने फर्क है। तो ये तो आपको देखने पड़ेगा, सोचने पड़ेगा। और जब चुनाव होता है ना तो जवाब भी देने पड़ेगा। देखिए, एक आदमी हम लोग का देश में, एक आदमी का सबसे बड़ा अधिकार क्या होता है? अपना वोट डालने का अधिकार। एक बार वोट डाल दीजिएगा और अगर गलत वोट दे दिया तो 5 साल भुगतना पड़ता है।
ये गलत वोट हुआ था, आपका तो घर नहीं बना, अपना घर बन गया। आपका तो तरक्की नहीं हुआ, अपना तरक्की कर लिया। तो इस बार गलती को सुधारने होगा। मौका आ रहा, सामने पंचायत का चुनाव आ रहा, उसके बाद 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा। और इस लोकसभा का चुनाव आगे जो जुमला पार्टी है उन लोग को जुमला दिखा देने होगा। 2 करोड़ करके बेकार को नौकरी दूंगा, 15 लाख बैंक अकाउंट में भेजेंगे। फिर जब चुनाव आएगा तो बोलेगा 700 बगाल हम लोग सरकारीकरण कर दिया, सभी बगाल दिल्ली का सरकार ले लेगा, हम लोग को वोट डालिए। अभी जो चुनाव आया तो फिर नरेंद्र मोदी जी क्या बोला कि चाय बगान के तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपया दे रहा हूं। मालूम है, टीवी में सुने थे, तो 1000 करोड़ रुपया चाय बगान के तरक्की के लिए दे रहा हूं। भाई 3 साल आगे दिया, अगर बैलगाड़ी से भी दिल्ली से भेजते ना अभी तक चाय बगान तक पहुंच जाता। अगर 3000 करोड़ बैलगाड़ी से भी भेज देते तो चाय बगान तक तो जरूर पहुंच जाता, लेकिन किसमें भेज रहे हैं? तो ये लोग जुमला पार्टी है, झूठा पार्टी है, कभी आदमी के लिए सोचता नहीं है, चाय बगान के लिए सोचता नहीं है। 34 साल सीपीएम चाय बगान को बर्बाद करके किया था, 1 रुपया 1.5 रुपया करके आप लोग को तनख्वाह बढ़ाता था, और अभी ममता बनर्जी आप लोग का फ्री रेशन कर दिया, हेल्थ सेंटर क्रेश कर रहे हैं, सभी चाय बगान में पानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से पानी का बंदोबस्त कर दिया, अभी एम्बुलेंस आ जाएगा, किसी का तकलीफ होगा तो इलाज के लिए एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस रहेगा आप लोग का। अगला 4-5 महीना के अंदर सब एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ आप लोग का आएगा, देखिएगा। हम लोग सब टेंडर कर दिया, बनना चालू हो गया, अभी शुरू होने का खाली देर है। जहां जहां बनना चालू हो गया हम इन लोग को राजेश लोग को बोलेंगे कि सभी आप लोग का व्हाट्सएप में भेज देंगे। अपना आंख से देखिए कि हेल्थ सेंटर कितना दूर तक बना, क्रेश कितना दूर तक बना। अभी अभी राजेश जी बोल रहा था हमको कि हम लोग का बगान में भी कुछ ऐलान कर दीजिए, तो आप लोग का बगान में भी हमने बहन लोग से सुना, मेरा बगल में कुछ बहन बैठी थी कि यहाँ पर कितना लड़की काम करती है बगान में, बोला 60% 60%। तो आप लोग का यहाँ भी एक क्रेश हम यहाँ ऐलान करके जा रहा कि यहाँ पर बनेगा, और हम लोग जितना जल्दी हो सकता इसका टेंडर करके और उस क्रेश को बनाना शुरू कर देंगे। अगला 1.5-2 महीने के अंदर देखिएगा आपका क्रेश बनना चालू हो जाएगा। यहाँ पर जितना बहन लोग काम करती है, बच्चा है, सभी क्रेश में बच्चा को रख के आप लोग काम कर सकते हैं, आपका बच्चा का ख्याल क्रेश रहेगा। और क्रेश कौन चलाएगा? जो बगान का सेल्फ हेल्प ग्रुप है वही लोग चलाएगा, और कुछ आप लोग का नौकरी का प्रबंध हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाएगा, बगान का वर्कर लोग चलाएगा, बगान का वर्कर का परिवार लोग का आदमी लोग चलाएगा। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग का और 2 जगह जाना है, लेकिन ये जो धरना हम लोग का नेता अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया, ये धरना 6 तारीख तक अभी तक जारी रहेगा। हर आदमी को मालूम होना चाहिए, जितना टीवी खरीदा गया है टीवी में दिखाता नहीं है, क्योंकि हम लोग बोला टीवी में नहीं दिखाएगा, टीवी में नहीं दिखाएगा, इसलिए आप लोग को घर घर प्रचार करना है, व्हाट्सएप फेसबुक पे प्रचार करना है। आजकल व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, सभी में प्रचार कीजिए। ये घर का फोटो खींच के सब चाय बगान वर्कर के पास भेज दीजिए, ये भाई हम लोग का चाय बगान का श्रमिक का कितना तरक्की हो गया, इतना बड़ा घर हो गया, ये सबको मालूम होना चाहिए। तो व्हाट्सएप फेसबुक पे सब भेजिए। भाई सबको मेरा तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, आप लोग अच्छा रहिए, आप लोग का परिवार अच्छा रहे।
हम सुखी रहे, खुशी रहे, इतना कहते हुए सबको मेरा तरफ से फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, आईएनटीटू से जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। धन्यवाद।